आज मैं आपको पिज्जा बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल और अच्छा टेस्टी पिज्जा जो बिना ओवन के तवे में बनाते हैं। चलिए अब हम आपको बनाना सिखाते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। दो प्याज जो मैंने पहले से काट कर रखे हैं, और 50 ग्राम बीन्स है, इसको लोग बोड़ा भी कहते हैं, बरबटी भी बोलते हैं, और एक शिमला मिर्ची है, दो गाजर है, दो चीज़ क्यूब्स हैं, और आधी आधी चम्मच काली मिर्च है, मक्खन है, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर सॉस है, पिज्जा बेस है 2 ठो, और फल फ्रूट्स है। तो मैंने काट लिया है बारीक। अब मैं शिमला मिर्ची काट लेती हूँ। शिमला मिर्ची को ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको छोटा छोटा काट लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। ऐसी सारी सब्जियां इसमें मिक्सर ग्राइंडर में काट लेंगे। बस ऑयल डाल रिफाइंड डालूंगी, बस 1 चम्मच। सारी सब्जी इसमें काट के डाल देती थी। इसमें गोल मिर्च भी डाल देती हूँ, काली मिर्च, उसको ढक देती हूँ। बस से मैं चीज़ को ग्राइंड कर लेती हूँ, घिस लेती हूँ, छोटे वाले छेदों से घिसिएगा। और ये मैंने घिस लिया है। चारों तरफ अच्छे से मक्खन लगा लिया। अब इसमें टमाटर सॉस भी डाल दिया। आप इसमें चिली सॉस भी लगा सकती हैं, मुझे पसंद नहीं है चिली सॉस, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। आप लोग इसमें चिली सॉस लगा सकती हैं, टमाटर सॉस की चिली। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो चिली सॉस ना डालिए, केवल टमाटर सॉस डाल के ही बनाइए, बच्चों को बेहद ही पसंद आएगा। अब मैं इसमें ये फैला देती हूँ मिक्सर को, इसमें पिज्जा में मिक्सर फैला देती हूँ। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें से ऊपर से ऐसे चीज भी लगा देते हैं। मध्यम कर देंगे, इसको ऐसे ढक देंगे, 5 मिनट बाद इसको खोल कर देखेंगे ये हो जाएगा। अब ये हो गया है, मैं इसको देख लेती हूँ नीचे से। हाँ ये हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको कैंची से आपको काट कर दिखा देती हूँ। देखिए कितना मुलायम बना, टेस्टी पिया। देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए,
अगर आप ऊपर से इसको और सजावट करना चाहते हैं तो आप इसमें धनिया पत्ता डाल सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा देखने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए आपको कैसा लगा खाने में। अगवल फूडी टेस्टी किचन से।